रोहित, ए रोहित, रोहित, ए रोहित, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है गाइस, गुस्सा आ रहा है। अभी पे हंस दिया तुमने, मुझे मैंने तुमको देख लिया तुमको हंसते हुए। सुबह से तुम दो बार पकड़े जा चुके हो। बात करो, बात करो, बात करो मुझसे वरना। ठीक है, ठीक है, क्या ठीक है, बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ। क्या हुआ था तुमको बताओ, मैं अपना प्यार मुझे दो। अब बोलो क्या हुआ था, तुमको बताओ, बताओ क्या हुआ था, बताओगे? Hey guys, good morning and welcome back to another video. तो guys, कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि रोहित ने मेरे ऊपर बहुत गंदा वाला प्रैंक किया था एंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था वो प्रैंक। मैं उससे बात भी नहीं कर रहा था अच्छे से, तो मैं सोचा कि मतलब मैंने डिसाइड किया कि आज मैं उसके साथ एक प्रैंक कर देता हूँ। इसलिए मैं सुबह से वो उठ चुका हूँ, यूजुअली वो मुझे उठाने आता है लेकिन मैं उठ चुका हूँ। तो गाइज आज होल डे मैं उसके साथ बात नहीं करूंगा, ना ही कोई रिएक्शन दूंगा उसको या फिर कुछ भी, कोई भी उसके साथ कुछ भी लेन देन मेरा नहीं होगा आज के लिए। मैं सिर्फ आप लोगों से बात करूंगा एंड उसको इग्नोर करूंगा होल डे तक। और गाइज अगर लास्ट वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाके देख लो, क्योंकि फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अदरवाइज आप लोगों को लगेगा कि मैं ही बेकार का, मतलब रोहित तो बहुत अच्छा है और पीटर ऐसा है, आप लोग कमेंट करते रहते हो। तो लास्ट वीडियो जाके देखो आप लोग, तब आप लोगों को पता चलेगा कितना गंदा वाला प्रैंक किया था मेरे ऊपर उसने। तो वैसे रोहित अभी बाथरूम में है, वो शायद मुझे उठाने आ सकता है कोई भी टाइम, तो उससे पहले मैं ही चला जाता हूँ वहाँ पे। और गाइस ये हमारा क्यूट सा मस्कीटो नेट है जिसमें हम लोग सोए थे रात को। यहाँ पे बहुत ज्यादा मच्छर का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा मस्कीटो है, तो इसीलिए मस्कीटो नेट। एंड ये बहुत ज्यादा क्यूट है, इसमें छोटे छोटे हार्ट्स बने हुए हैं, इट लुक्स सो क्यूट। तो गाइस वो निकल चुका है बाथरूम से, चलिए चलकर देखते हैं क्या कर रहा है वो। तो गाइस आज का दिन बहुत सुहाना है, कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सब कुछ। आज धूप भी अच्छा निकला हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है ना। पता नहीं गाइस आज लंच पे मैं क्या बनाऊंगा दोपहर को, देखते हैं क्या हो सकता है, क्या बना सकता हूँ। तो मैं जो बोल रहा था गाइस, मैं आपको अपना प्लान दिखा देता हूँ आज के दिन, पता नहीं क्या रिएक्शन देगा। ये देखिए गाइस मेरा प्लांट, ये रहा कड़ी पत्ता प्लांट, इसको थोड़ा सा प्रूनिंग किया हूँ मैंने ऊपर से। ये कैप्सिकम का सीड मैं इसमें डाल दिया था और यहाँ पे मैंने कुछ जुगाड़ लगाए, यहाँ पर भी छोटे छोटे ना स्प्राउट्स निकले, पता है आप लोगों को। ये देखिए मजा आ रहा है ना गाइस, बहुत मजा आ रहा है ना गाइस। और गाइस यहाँ पे मैंने अपने बर्ड्स को थोड़ा बहुत, मतलब वाइल्ड बर्ड्स को ना थोड़ा बहुत पानी दिया है और यहाँ पे घर बनाया है उनके। मेरे तरफ देखो गाइस, मुझे तो ठंडा ठंडा कॉफी पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप लोगों को पता ही है कि कॉफी मैं कितना अच्छा बनाता हूँ। ठंडा धुआं उठ रहा है उससे। चलिए गाइस कॉफी बनाते हैं मेरे लिए। तो गाइस पहले हम लोग कॉफी बनाने के लिए लेंगे कॉफी। तुमने क्या किया, मैंने कितना बनाया पानी। तो गाइस चलिए कहीं और चलते हैं थोड़ा देर के लिए, और अच्छे से रूम में चल सकते हैं गाइस। और गाइस क्या बोल सकते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, क्या हुआ है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ कॉफी बनाने के लिए और यहाँ पे मैं पानी को अभी गर्म करूंगा और इस जो कप था उसको थोड़ा सा वॉश कर लेंगे गाइस, क्योंकि यू नो बहुत ज्यादा गंदगी हुआ था उसमें। और अगली बारी है मेरे कॉफी का, अच्छा वाला कॉफी थोड़ा सा लीजिए। मैंने तुम्हारे कॉफी बनाया, तुमने फेंक क्यों दिया। और उसको थोड़ा सा डालिए और बस घोल के पी जाइए गाइस, आपका कॉफी तैयार है। मैंने तुम्हारे कॉफी बनाया, तुमने फेंक क्यों दिया। आपका कॉफी तैयार है गाइस। गाइस आपको कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को मेरा कॉफी का रेसिपी कैसा लगा, यू नो मेरे ब्लैक कॉफी का रेसिपी कैसा लगा। तो गाइस आप लोग जरूर बताना मेरे ब्लैक कॉफी का रेसिपी कैसा हुआ। क्या बोलूं, ओ ये चम्मच यहाँ पे क्या कर रही है, चम्मच से मुझे कॉफी को स्टर करना पड़ेगा और फिर गाइस काम कर रहा है, काम कर रहा है, ब्लैक काम कर रहा है गाइस।
मुझे रुलाया था, मुझे रुलाया था मुझे। बदला गाइस बदला। तो इसमें डालेंगे हम लोग गरम गरम पानी। बन चुका आपका ब्लैक कॉफी। तो गाइस कॉफी लेके चलते हैं। तो गाइस कॉफी लेके चलते हैं एक मेरे प्लांट्स के पास जाके हम लोग बैठते हैं। तो गाइस हम लोग किसी और रूम में भी जा सकते हैं जहाँ पे हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं। गाइस बहुत सारे दिल आ चुके हैं मेरे पास गाइस। तो गाइस हम लोग किचन में भी बैठ के पी सकते हैं कॉफी। गाइस हम लोग यहाँ पर भी के पी सकते हैं कॉफी। अच्छा लग रहा है ना? बात क्यों नहीं कर रहे मुझसे गाइस? अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को मेरे साथ टाइम स्पेंड करने में? सच बोलना गाइस, झूठ मत बिल्कुल बोलना। आप लोग अच्छा लग रहा है मेरे साथ टाइम पास करने के लिए गाइस? चलिए टाइम को किल करते हैं साथ में मिलके। बात क्यों नहीं कर रहे मुझसे? ओके गाइस मैं कॉफी पी के फिर आपसे मिलता हूँ थोड़ा देर बाद, बाय। तो गाइस पता नहीं आप लोगों किसी ने इस मस्की यूनिट के बारे में बताया या नहीं, पर हमने ये रिसेंटली लिया है एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। और ये सबसे हार्ट से इसमें लेकिन हार्ट से कलर भी जा रहा है पता नहीं क्यों। तो गाइस पीटर मुझसे बात नहीं कर रहा है पता नहीं क्यों। उसे क्या हुआ है? तुम मुझसे बात नहीं कर रहे सुबह से, फिर रात से भी थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था और सुबह से उठ के फिर बात नहीं कर रहा है मुझसे। पता नहीं किस बात पे गुस्सा है ये भी नहीं बता रहा मुझे, लेकिन मैं भी बहुत ज्यादा जिद्दी हूँ। मैं उससे कैसे न कैसे निकाल के रहूंगा उसके मुंह से कि क्या प्रॉब्लम है। पहले मैं बेड को सेट कर देता हूँ क्योंकि वो नहीं कर रहा है। यूजुअली वो मेरा हेल्प करता है करने में ये सब, लेकिन आज पता नहीं वो कुछ नहीं कर रहा है, ना मेरा हेल्प कर रहा है ना मुझसे बात कर रहा है। तो मैं खुद ही करूंगा अभी, तकलीफ होगी मुझे लेकिन करना पड़ेगा। तो चलिए पहले इस मस्कीटो नेट को फोल्ड करते हैं। इस फोल्ड करने के लिए दो लोग चाहिए होता है लेकिन मैं आज अकेला हूँ तो मैं अकेला ही करूंगा, देखते हैं। चलिए गाइस आप बेड को सेट कर लेते हैं। यहाँ बैठा हूँ मैं, यहाँ पे ये पूछते हैं क्या कर रहा है। तुमने आज मुझे नहीं पूछा कॉफी पीने के लिए? हाँ बीबी अभी तुमने आज मुझे नहीं पी तो पूछा कॉफी पीने के लिए? दो मुझे कॉफी, थोड़ा दो मुझे कॉफी, दो थोड़ा सा दो। छोड़ो मैं अपना कॉफी बना लूंगा। तो गाइज मैं फ्रेश हो गया हूँ, सब कुछ हो गया है और अभी मैं ब्रेकफास्ट तो बनाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं रोहित के लिए भी ब्रेकफास्ट बना दूँ क्या। मैं अपने ब्रेड को तो टोस्ट कर रहा हूँ लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसके लिए भी बना देता हूँ, क्योंकि फिर वो कैसे बनाएगा, वो काम भी कर रहा है अपना। सोच रहा हूँ कि मतलब क्रूल बन जाऊँ क्या पूरा एकदम, ना ही दूँ या फिर करके रख देता हूँ फिर वो आके खा लेगा। मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, काश आप लोग बता पाते क्या करूँ, लेकिन ये वीडियो तो रिकॉर्डेड है तो आप लोग जब तक बताओगे तब तक तो ये चला जाएगा, मतलब टाइम चला जाएगा ये वाला। तो गाइस मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ अभी यहाँ पे देख सकते हैं, और मैं कुछ काम भी कर रहा हूँ ऑफिस का, और सुबह से दूसरा कॉफी। क्या बात है तुम्हारा? हेलो यस क्राइम ब्यूरो, मुझे लग रहा है कि मुझे कंप्लेन दर्ज कराना पड़ेगा। खुद के बारे में? किसी के लिए डिस्टर्बिंग के लिए कोई केस हो सकता है क्या? हाँ कर दीजिए, और एक साल का जेल हो सकता है। और एक केस रजिस्टर करो, एक मर्डर होने वाला है उसका भी केस रजिस्टर कर लो पहले से। हेलो तुम सुबह से दूसरा कॉफी पी रहे हो, दूध वाला वो भी, क्या बात है? तुम्हारे बात नहीं कर लो मुझसे तो कुछ भी करोगे क्या तुम? आजादी है क्या? प्योर एयर, इतना सन्नाटा है आसपास, अच्छा लग रहा है। तो गाइस ब्रेकफास्ट तो हो चुका है और आपने देखा कि पीटर ने दो बार कॉफी पिया है, दो बार गाइस। मुझसे बात नहीं कर रहा है इसलिए कुछ भी कर रहा है, कुछ भी। और अभी वो भी खाना बना रहा है, लंच बना रहा है, इसलिए देखते हैं क्या बना रहा है। क्या बना रहे हो तुम बाबा? करेला। ओ गॉड करेला क्यों बना रहे हो तुम? करेला मत बनाओ एटलीस्ट, ये बहुत ज्यादा। ओ नो प्लीज करेला मत बनाओ, कुछ और बना दो। फेंक दो इसको प्लीज, प्लीज इसको फेंक दो, मैं फेंक दूँ इसको, फेंक दो इसको। कोई रिएक्शन नहीं फिर भी, फेंक दो क्या उसको? क्यों बना रहे करेला बाबा? गाइस मेरा मूड आज बहुत कड़वा है। oh, no. तो मैं सोच रहा हूँ कि करेला बना लूँ। मूड तुम्हारा कड़वा क्यों है? मूड तुम्हारा कड़वा क्यों? मेरे तरफ थोड़ा देखो, इधर इधर देख, चाकू चाकू के क्या रहो, हाथ कट जाए। बोलो तुम्हारा मूड आज कड़वा क्यों है बीबी? तुम्हारा मूड आज कड़वा क्यों है? इधर तो देखो। पता नहीं गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी हो गया अचानक से, बहुत ज्यादा गंदगी है यहाँ पे, साफ करना पड़ेगा गंदगी को। तुम मेरी बात कर रहे हो?
मुझे गंदगी बोल रहा है गाइस, आप लोग कुछ बोलो उसको। तुम मुझे गंदगी बोल रहे हो? मुझे इधर देख। तुम मेरे साथ देख के नहीं रुकते, बता दो। बैंगन से मार रहा है मुझे। क्या हुआ तुमको? ओह कितना मच्छर है यहाँ पे। ओह शिट, मच्छर है यहाँ पे। लग जाएगा मुझे कसम से। मैं सब क्यों कर रहे हो मेरे साथ आज? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? सुबह उठने के बाद मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाने गया, क्या हुआ है तुमको? मैंने क्या कर दिया तुम्हारे साथ ऐसा? क्या किया मैंने तुमको? बताओ मैंने क्या किया? मैंने तो कोई गलती नहीं की गाइस, मैं तो साफ दिल का एक मासूम इंसान हूँ। मैं तो एक साफ दिल का मासूम एक इंसान हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है गाइस। मैंने क्या बिगाड़ा किसी का? मैंने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, ना किसी को मैंने दुख दिया दिल में, ना किसी को रुलाया मैंने, कुछ नहीं किया। फिर भी मुझे ऐसा क्यों कर रहे मेरे साथ ये, बताओ अभी। ओ गॉड, ये तुम आज सब खराब खराब चीजें क्यों बना रहे हो? इसको क्या बोलते हैं, कुमड़ो? पम्पकिन? पम्पकिन के साथ करेला क्यों बना रहे हो ऐसा तुम? छोड़ दो ना इसको प्लीज, उसको छोड़ दो। कोई एक्शन नहीं है गाइस, पता नहीं लोगों को सांप सूंघ गया है या क्या हो गया है, मुझसे बात नहीं किया जा रहा है और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है इस वजह से। यहाँ पे क्या किया है? ओ नो, मैंने पैर से मिट्टी पूरा ये, ओहो अंडा का जो ट्रे है उसको मैंने पूरा गिरा दिया, अंडा का ट्रे पूरा मिट्टी उखड़ गया यहाँ से। मैं जाकर उसको बताता हूँ, मुझसे गलती हो गई बहुत बड़ी, शायद मुझे कभी माफ ना करे। फीचर, तुमने जो अंडा के ट्रे में जो मिट्टी डाल के कुछ लगाया था, पता नहीं उसमें लोग बोल रहे थे कि तुम अंडा उगा रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो वो मेरे पैर से लग के गलती से उलट गया। क्या करूँ मैं, उसको फेंक दूँ क्या? हाँ, मुझसे गलती से उखड़ गया। बेबी आओ देखो, तुम देख के जाओ, आओ मेरे साथ आओ। तो कैसे बहुत कोशिश किया लेकिन कोई रिएक्शन नहीं मिला ना, वो अभी गया ना, कोई रिएक्शन तो नहीं थी लेकिन गया है शायद, शायद वो देखने गया है, शायद वो देखने गया है। क्या कर रहे हो तुम? मैं बोला तो तुम देखने आए थे, मैं बोला तो तुम देखने आ गए थे तुरंत। ओ जैसे मैं बोला ऐसे कपड़ा, ये कभी यहाँ पे नहीं रहता है गाइस, ये कभी यहाँ पे नहीं रहता, चला जा रहा है। मैं जैसे बोला तब कोई रिएक्शन नहीं दिया, बाद में देखने आया, और जैसे पकड़ा गया वैसे ये डस्टर यहाँ पे नहीं रहता है, ये किचन में हमेशा रहता है, और ये धुला हुआ भी नहीं है, इसको पोस्ट वो रखने आए यहाँ पे अभी कुछ। देखिए इसका जरूरत उसको है वहाँ पे, जबरदस्ती लेके आया इस डस्टर का, उसको जरूरत है वहां पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसे ही जस्ट रख के चला गया था ताकि मुझे पता ना चले। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे गाइस, तुम्हारा जो कांड है वो पकड़ा गया है। तुम ये डस्टर वहां पे जाकर उसने, तुमने उसको रखा ही क्यों था जब तुमको इसका जरूरत है यहाँ पे? कितना गर्मी है। छोड़ो, मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए, मैं फिर दोबारा नहीं आऊंगा। सोच लो, मैं दोबारा फिर नहीं आऊंगा तुमको मनाने के लिए, मैं दोबारा नहीं आऊंगा, मैं बोल रहा हूँ पहले से। तो गाइस सुबह से शाम हो चुका है लेकिन अभी भी पीटर मुझसे बात नहीं कर रहा है, और पता नहीं क्या कब करेगा और क्यों नहीं कर रहा है। अभी वो बैठ के वहाँ पे काम कर रहा है। ये रहा बेबी, क्या काम कर रहे हो तुम? ऑफिस का काम कर रहे हो क्या? वीडियो एडिट कर रहे हो क्या? क्या कर रहे हो तुम? अरे रोहित, क्या हुआ तुमको? क्या काम कर रहे हो तुम? छोड़ो उसको, हटाओ। तो कोई काम नहीं है गाइस, स्टैचू की तरह क्यों बैठ गए? अच्छा मैं नहीं दिख रहा हूँ, हंस लो, मैं नहीं दिख रहा हूँ, हंस लो। इधर आ। थक गया मैं। ऐसे बड़े बड़े आंखें करके क्यों देख रहे हो? क्या हुआ तुमको? रोहित, रोहित क्या हुआ तुमको? क्या हुआ? क्या हुआ तुम ऐसे करो? क्या हुआ तुमको? बात करो ना। कितना देर बात के बिना किए रहेगा? रोहित कितना देर बात बिना किए रहोगे तुम? रोहित,
रोहित गुस्सा आ रहा है गाइस, गुस्सा आ रहा है। रोहित क्या हुआ, कितना देर बात भी ना की रहोगे, क्या हुआ बताओ तो मुझे। देखो गाइस, कितना क्या हुआ बताओ, क्या हुआ है, क्या हुआ बताओ, क्यों गुस्सा हो बताओ, ये हाथ भी दो मुझे, अब बताओ क्यों गुस्सा हो तुम, क्यों गुस्सा हो तुम। रोहित चुभ रहा है, जैसे मैं रोहित बोल रहा हूँ चुभ रहा है इसके कानों को, देखो। रोहित बात करो मुझसे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, छोड़ दूंगा, मुझसे बात करो, मैं छोड़ दूंगा तुमको। देखो गाइस, मैंने हाथ कस के पकड़ लिया है, अब इससे उठाने जा रहे हैं, पैर भी मेरे दबा दिया है इसको, लॉक हो चुका है। बताओ क्या हुआ तुमको, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो मुझसे, क्या नाराजगी तुम्हारा, बताओ मैं सब सुनूंगा तुम्हारी बातें, मैं तो जो बोलोगे वो मैं करूँगा, बताओ क्या हुआ तुमको, जो बोलोगे वो करूँगा, शर्तें बताओ। गाइस लग रहा है बताने वाला है, ऐसे क्यों कर रहे हो, बताओ अपनी शर्तें बताओ। गाइस मुझे कॉफ़ी चाहिए, एक शाम हो गया है, मैं सोच रहा हूँ कॉफ़ी बनाने जाऊँ, लेकिन पता नहीं मैं क्यों उठ नहीं पा रहा गाइस। मैं लेके आऊँ कॉफ़ी, मैं लेके आऊँ, फिर फेंक दोगे तुम तो, फिर मैं दबा हूँ शायद कहीं पे, शायद मैं कहीं पे दब गया हूँ गाइस, मैं जिंदगी में दब गया हूँ गाइस, मैं कॉफ़ी लेकर आता हूँ, मैं जिंदगी में किसी से दब गया हूँ गाइस, मैं जिंदगी में किसी के ऊपर दब गया हूँ गाइस, किसी के नीचे दब गया हूँ गाइस जिंदगी से। मैं कॉफ़ी लेकर आता हूँ, बताओ कैसे कॉफ़ी चाहिए तुमको। नहीं बाबा, दूध कॉफ़ी चाहिए मुझे, दूध कॉफ़ी पीना है, मैं उठता हूँ। तुम उठोगे दूध कॉफ़ी के लिए, तुम उठना चाहते हो। मुझे उठना है, मैं उठ नहीं पा रहा गाइस, मैं लेकर आता हूँ दूध कॉफ़ी तुम्हारे लिए। तो गाइस मैं जाता हूँ कॉफ़ी बनाने के लिए, और कब तक इसको देखती हूँ, मैं जा रहा हूँ कॉफ़ी बनाने के लिए। कहाँ है सब कुछ, मिल गया है मुझे कप, दूध। एक्चुअली मुझे दूध कॉफ़ी बनाना आता नहीं है, कॉफ़ी मिल गया है पर मुझे दूध कॉफ़ी ठीक से बनाना आता नहीं है गाइस, क्योंकि मैं जब भी बनाता हूँ या तो दूध ज़्यादा हो जाता है तो कॉफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ उसको उठाने का, मुझसे कॉफ़ी नहीं बन रहा भैया, दूध कॉफ़ी नहीं बन रहा मुझसे। नहीं बात करोगे तुम नहीं बात करोगे ना, ठीक है मैं जा रहा हूँ फिर। तुम सुबह से दो बार क्या हुआ, सुबह से अभी फिर हंस दिया तुमने, मैंने तुमको देख लिया तुमको हंसते हुए, सुबह से तुम दो बार पकड़े जा चुके हो। बात करो मुझसे वरना। ठीक है क्या चीज़, ठीक है बात कर रहा हूँ क्या हुआ था तुमको बताओ। नहीं पैर मुझे दो, अब बोलो क्या हुआ था तुमको बताओ। बताओ क्या हुआ था मैंने, जल्दी बताओ क्या हुआ, बताओ। कुछ नहीं हुआ है, तुम मेरे साथ कल प्रैंक वीडियो किए थे तो मैं भी तुम्हारे साथ प्रैंक वीडियो कर रहा था। इसका बदला? हाँ, तो मेरे साथ कल प्रैंक वीडियो कर रहे थे तो मैं भी आज प्रैंक वीडियो कर रहा था तुमको, नहीं इग्नोर कर रहा था तुमको। गाइस आप लोग कमेंट करो तो मेरे साथ बुद्धि चलाते भी करूंगा, आप लोग इधर कमेंट करते हो तो मैं इधर को बांध के सुन बुद्धि चलाने। वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो बोलो सब्सक्राइब करने की, तो वरना गाइस अगर आपको आप लोगों को ये वीडियो सुबह से लेकर अभी तक पसंद आया है और मैं इसको जो इग्नोर कर रहा था वो पसंद आया है, और ऐसे ही वीडियोस अगर और भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर कर दो सबके साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। बहुत परेशान कर तुमने मुझे सारा दिन, बहुत परेशान किया। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं कर रहा एक्टिंग।